तो जब एक लिक्विड पाइप में मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ एनर्जीज हैं। पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अगर उस लिक्विड की कोई वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर। और अगर मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, तो आप काइनेटिक एनर्जी को मास से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई टू। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई टू। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। अब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, एम जी एच है। जब एक लिक्विड हाइट अटेन करेगा तो एम जी एच है, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली अगर मैं यूज करना चाहूँ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच को मास से डिवाइड करेंगे तो जी एच बचेगा। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तीसरी एनर्जी जो आपने सुनी नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, वो है प्रेशर एनर्जी। क्योंकि लिक्विड मूव जब करता है तो प्रेशर का होना जरूरी है या प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर आप प्रेशर डिफरेंस नहीं लगा रहे तो लिक्विड मूव नहीं करेगा। तो इसलिए एक और एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है कि अगर आपके पास ये एक लिक्विड है एच हाइट का, नीचे एक हल्की सी पाइप है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये लिक्विड का प्रेशर एच रो जी जो भी लगेगा, ये पिस्टन को आगे धक्का मारेगा। तो पिस्टन यहां से यहां आएगा, लिक्विड यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्यों डिस्प्लेस होगा? क्योंकि लिक्विड ने यहां पर पिस्टन पे क्या लगाई? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स लगाई। तो ये फोर्स कैसे लगाई? ये क्या है? प्रेशर पी है। फोर्स की वैल्यू क्या है? प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स लिक्विड ने क्या लगाई? प्रेशर इंटू पिस्टन का एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एक्स। तो अगर मैं ये बोलूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रेशर ने कितना किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स प्रेशर की फॉर्म में, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क डन आएगा जूल में, यही प्रेशर की एनर्जी है। क्योंकि वर्क डन भी जूल में और ये एनर्जी भी जूल में है, तो ये वर्क डन इज प्रेशर की वजह से, जो वर्क डन है वही प्रेशर एनर्जी है, ये प्रेशर की एनर्जी है। पहला स्टेप क्लियर है। अब इस चक्कर में लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, ये लिक्विड का वॉल्यूम निकालते हैं। लिक्विड के वॉल्यूम में ये क्या है? एरिया। एरिया ऑफ लिक्विड क्या है? ए। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया की वैल्यू क्या है? एरिया इज ए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स, ए इंटू एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। कितना मास लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा जो डिस्प्लेस हुआ। तो यही लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या है? ए इंटू एक्स। मास ऑफ लिक्विड जो पुश किया गया, इसको ना करेक्शन करो, ए इंटू एक्स इंटू रो करो। तो मास कितना पुश किया गया? ए इंटू एक्स इंटू रो। ठीक है, तो वर्क डन इन पुशिंग अ मास ए इंटू एक्स इंटू रो इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये प्रेशर की एनर्जी है। अब अगर आपको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, तो प्रेशर की एनर्जी को मास ऑफ लिक्विड से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो मास ऑफ लिक्विड क्या है? ए इंटू एक्स इंटू रो। ए इंटू एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? पी बाय रो। तो पी बाय रो किसका फॉर्मूला है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला है। ठीक है, और ऐसी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? प्रेशर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया, ए इंटू एक्स, तो पी की वैल्यू आ गई। तो प्रेशर इटसेल्फ ही क्या कहलाता है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। वैसे जो मुझे चाहिए होता है बर्नौली थ्योरम में, वो ये चाहिए होता है, पी डिवाइडेड बाय रो इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, तो ये तीन एनर्जीज को आपने याद रखना है।